क्या बात होती है कि एक बिना आंखों वाला व्यक्ति एक हिस्ट्री लिख देता है अपने जीवन में, एक ऐसा काम करता है जो कि एक आंखों वाला व्यक्ति नहीं कर पाता है। बिना आंखों वाला व्यक्ति हजारों हजारों श्लोकों को और चौपाइयों को याद कर लेता है, और बिना आंख वाला एक भी चौपाई याद करने में कठिन हो जाता है उसके लिए। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। पूर्व में आप देखेंगे तो सूरदास जी महाराज 1.25 लाख पद लिख चुके हैं, आप सभी जानते ही हैं सूरदास जी को। और अगर अभी की बात करूं तो आप जानते हैं कि रामायण में जो काम किए थे दद्दू जिसे हम लोग कहते थे, वो रविन्द्र जैन जी आप सभी जानते ही हैं, वो उनके उन्हें अथाह चौपाइयाँ श्लोक याद थे। तो बिना आंखों के आप सभी को पता ही है कि डॉक्टर व्यंग्या के नाम सुने होंगे, वो भी काफ़ी ज्ञानी थे और भविष्यवक्ता थे। अभी हमारे जगत गुरु जी महाराज श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जो हैं, वो सोचिए कि उन्हें अठारह पुराण, चारों वेद, छह शास्त्र और न जाने कितने छेपक कथाएं, रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, ये सब बचपन में ही उन्हें याद हो गए थे। कैसे याद हो गए थे? उनकी आंखें तो 2 महीने के थे तभी चली गई थी। तो बिना आंखों वाले व्यक्ति कुछ विशेष करते हैं, और यहाँ तक कि रामभद्राचार्य जी महाराज की बात करूँ तो वो भविष्यवक्ता भी कहे जाते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, और जो कह देते हैं वही सच हो जाता है। अथाह ज्ञान है उन्हें, उनकी ज्ञान की बात नहीं कर सकता हूँ मैं। तो कैसे इस तरह के आप उदाहरण देखेंगे तमाम मिलेंगे आपको, आसपास में भी जितने लोग बिना आंखों के होंगे तो उनके पास में कुछ विशेष गुण होगा। ये गुण क्यों होता है दोस्तों? अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करो तो विज्ञान यह मानता है कि जिनकी आंखें नहीं हैं उनका दिमाग जो होता है वह मजबूत होता है। मजबूत क्यों होता है? क्योंकि उनके दिमाग में फालतू गिरी नहीं चलता है। जैसे हम रमक चमक दुनियादारी देख रहे हैं, हम रात को सो रहे हैं या फिर हम विश्राम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तो हमारी निगाह में चल रहा होगा कि हमारा खेत कैसा है, अभी फसल जल तो नहीं रहा है, सही ठीक ठाक है, वो फलानुमा की याद आ रही है, क्योंकि उसको माइंड में आ रहा है, सारा सीन आ रहा है। और एक आँख के अंधेरे व्यक्ति को स्वप्न भी आता है तो विज्ञान कहता है कि उन्हें स्वप्न में आवाज़ सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता है। तो जिनकी दिमाग में फालतू गिरी नहीं भरी है, जब देखेंगे तभी तो आएगी माइंड में, जब आएगी नहीं तो वो स्टोर नहीं होगी, नहीं देखेंगे तो नहीं आएगी, नहीं आएगी तो हमारा दिमाग जो होता है वो मजबूत हो सकता है, बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, और जो जिस चीज़ पे जोर लगा दिया जाएगा वह चीज़ पा जाएगा, वह व्यक्ति हासिल कर लेगा, अचीव कर लेगा उसे। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, जो अंधे होते हैं, उनके पास में एक विशेष शक्ति इसीलिए आती है क्योंकि उनके दिमाग में फालतू की बातें नहीं भर रही हैं, दुनिया की सीन नहीं आ रही हैं, उनका दिमाग मजबूत होता है, यह भी ज्ञान मानता है। अध्यात्म की बात करूं तो अध्यात्म कहता है कि भगवान ऐसे लोगों पर विशेष कृपा करते हैं और उन्हें कुछ विशेष गुण देते हैं, उन्हें दिव्य ज्ञान हो जाया करता है। माता भगवती शारदा की जो कृपा होती है उनके ऊपर अथाह होती है। मैं अपनी बात करूं तो मैं अध्यात्म में विश्वास करता हूं और मैं मानता हूं कि भगवान की विशेष कृपा होती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर कमेंट में बताना है। जय श्री राम।